सत्संग में, सत्संग मैं कह रहा हूं, मैं मेला नहीं कह रहा हूं। परमदयाल जी महाराज बैसाखी के सत्संग पर इश्तहार निकालते थे कि ये कोई मेला नहीं है, ये सत्संग है। सत्संग में केवल अनुभव की बात कही जाए। और जो गुरुदेव आते थे बाहर से, उनको यही कहते थे, भाई अपने जीवन का अनुभव बताओ, तुमने क्या पाया, कहां से पाया, कैसे पाया, कहानियां कोई नहीं, पिछले हवाले छोड़ दो, पिछली कहानियां छोड़ दो। ये दाता दयाल जी महाराज ने भी कहा, स्वामी जी महाराज ने भी कहा, कबीर साहब ने भी कहा, गुरु नानक साहब ने भी कहा, मगर दुनिया कान रस की भूखी है, कान को रस मिलना चाहिए, चाहे वो तालियां बजाकर मिल जाए, चाहे वो गाना गाकर मिल जाए, चाहे वो नाच कर मिल जाए, चाहे कहीं भी जाना पड़े, दुनिया इन चीजों के पीछे पड़ी हुई है। अपना घर कोई नहीं टोलता, अपने अंतर कोई नहीं जाता, सोचते हैं कि बाहर से कुछ मिल जाएगा, बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? सत्संगत से, सतगुरु से, सतनाम से, भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से, ये मिलने वाली चीज है। इसका और कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये कीमत दे दो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये कीमत नहीं दोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग सर्दी में आए हैं, आज बहुत से लोग ऐसे सोचते होंगे आज ठंड है फिर चलेंगे, जिस दिन सूर्य चढ़ा होगा, जब ठंड नहीं होगी फिर चलेंगे, वो खाली रह जाएंगे। जो कुर्बानी नहीं करता, जिसको कुर्बानी करनी नहीं आती, उसको कभी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, शरीर को कष्ट देकर मन को ठहराव में लाना पड़ेगा, मन को ठहराव में लाकर सतगुरु के वचन पर चलना पड़ेगा, तब ये ज्ञान मिलेगा, उससे पहले मिल ही नहीं सकता। आगे कहिए। राग भोग सब दूर निकार, विमल विरह वैराग संहारा। ये जो हमारा जीवन है ना, ये कुछ शब्दों ने इसको बांधा हुआ है। राग द्वेष वैराग, आप समझ गए ना, अब निर्मल विमल ये शब्द हैं। ये शब्द क्या हैं? ये शब्द हमारे जीवन को खोल कर बताते हैं। हमारा मन, मैं बार बार कहा करता हूं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमारा शरीर भोजन के बगैर जी नहीं सकता, हमारे शरीर की प्यास पानी के बगैर नहीं बुझ सकती। शरीर भोजन चाहता है, शरीर के लिए पानी की जरूरत है, शरीर के लिए परमदयाल जी महाराज क्या कहते, विटामिन्स मिनरल्स कार्बोहाइड्रेट्स आयरन ये सब चाहिए, तभी शरीर तंदुरुस्त रहेगा। और मन भी खुराक चाहता है। मन की खुराक क्या है? ख्याल। मन भी सहारा चाहता है, शरीर भी सहारा चाहता है, मन भी सहारा चाहता है। और मन को अगर आपने नेगेटिव ख्याल दे दिया, मन को मैंने इस ख्याल को बड़ा तजुर्बा किया है, अनुभव किया, खुद भी अनुभव किया है, और मेरे जो प्रेमी हैं उन पर भी अनुभव किया है। क्या कहा मैं क्या कहना चाहता हूं? जैसे जिम्मेदार खेत में बीज बोता है, जौन सा मर्जी बीज बो दे वो, जौन सा मर्जी बीज बो दे वो, समय आने पर वो बीज अंकुरित होगा। चाहे पड़ा हुआ है बीज, उसका समय अभी नहीं आया, वो पड़ा रहेगा, लेकिन जब समय आएगा वो बीज अंकुरित हो जाएगा। आपने देखा होगा, मैं तो अपने घर में देखता हूं, पिछले साल क्या को बीज पड़ा हुआ है, हमने बोया नहीं, अब समय आया वो अपने आप अंकुरित हो गया, मौका आ गया, अंकुरित हो गया। ऐसे ही
हम जो कुछ भी सोचते हैं जाने में अनजाने में, वॉलंटरी इनवॉलंटरी, चाहते हुए ना चाहते हुए, जो भी ख्याल हम इस दिमाग में आंखें बंद करके लेते हैं या आंखें खोल के लेते हैं, वो सारे के सारे ख्याल इस ब्रह्मांड में जाते हैं। इस ब्रह्मांड में वो ख्याल चले जाते हैं। समय आने पर वो ख्याल वापस तुम्हारे पास ही आते हैं, उनको कोई नाश नहीं कर सकता। तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा भी बोझ, बिया हुआ बीज तुम्हें ही काटना पड़ेगा। नेक ख्याल किए हुए हैं, नेकी वापस आएगी। बुरे ख्याल किए हुए हैं, बुराई वापस आएगी। भला किया हुआ है, भलाई वापस आएगी। इसलिए तुम बच नहीं सकते। इसलिए संत आए, परमदयाल जी महाराज आए, उन्होंने हमें वेद मंत्र की याद दिलाई, भाई हमेशा अच्छे ख्याल रखो। शिव संकल्प मस्तु, तुम जो सोचोगे वही तुम बन जाओगे। जो तुम्हारा ख्याल है वही तुम्हारा हाल हो जाएगा, ये उन्होंने बार बार कहा। इसलिए तो फिर अच्छे ख्याल कहाँ से मिलेंगे, नेक ख्याल कहाँ से मिलेंगे, शुद्ध ख्याल कहाँ से मिलेंगे, जीवन बनाने वाले ख्याल कहाँ से मिलेंगे। अगर आप गंदी किताबें पढ़ेंगे, गंदे ख्याल दिमाग में आएंगे, बच नहीं सकते। अगर आप गंदी तस्वीरें देखेंगे, गंदे ख्याल दिमाग में आएंगे। मुझे किसी के घर में जाने का मौका मिला, किसी सत्संगी के घर में मैं गया, जहां मुझे उन्होंने बिठाया वहां किसी गुरु महाराज का भी तस्वीर लगा था और उनके चारों तरफ फिल्मी स्टारों के भी फोटो लगे थे। मैं कुछ कहना चाहता हूं, उस सतपुरुष के चारों तरफ इधर फोटो सामने गुरु महाराज का, इधर भी फिल्मी सितारे, इधर भी, और बड़े बड़े भद्दे, बड़े भद्दे फोटो जिनको मैं नहीं देख सकता था। वो घर के मालिक को मैंने बुलाया, मैंने कहा आप सत्संगी हैं? हाँ हम सत्संगी हैं जी, बड़े गर्व से कहा। मैंने तो कहा सतगुरु के सिर पर ये सारे रंडे रंडियां क्यों बिठाए हुए हैं, ये जो फोटो लगे हैं इनका क्या मतलब? सतगुरु के पुजारी हो तुम और इसी कमरे में तुमने ये अश्लील फोटो लगाए हुए हैं, तुम्हारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, तुम्हारी बेटियों पर क्या असर पड़ेगा? गुरु महाराज की फोटो उन पर असर नहीं करेगी, ये ज्यादा असर करेंगे। मगर दुनिया इस बात को सुनकर दुखी होती है कि ये क्या कह दिया हमें, क्या कह दिया हमें, बात को समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें द्वेष है, उनमें द्वेष है। द्वेष के कारण मैंने देखा है, मैं बड़े दावे से कहता हूं कि कई सत्संगियों से अच्छे हैं वो लोग जो सत्संगी नहीं है, कई सत्संगियों से वो लोग सुखी हैं जो सत्संगी नहीं है। क्योंकि सत्संगी दुखी इसलिए है, उनको दुख आएगा, वो गुरु की बात को सुनते नहीं, वो गुरु की बात के ऊपर चलते नहीं, वो गुरु की बात को समझते नहीं। वो तो इतना ही जानते हैं कि जाना है, बैठना है, सुना, कुछ मिल लिया, रिश्तेदारों को मिल लिया, खाना खाया और वापस आ गए। सत्संग से क्या लेना किसी ने? ये वो मंदिर है मेरे सतगुरु परमदयाल जी महाराज ने, ये वो तीर्थ स्थान बनाया है। आने वाली नस्लें जानेगी कि जहां सत्य का वर्णन किया जाता है, यहां केवल सत्य है। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, जाके हृदय झूठ है ताके हृदय पाप। जो झूठ लेकर बैठा है, जो झूठ का व्यापार कर रहा है, वो आज भी जाएगा, कल भी जाएगा,
उसको जाना ही होगा, वो बच नहीं सकता। वो यहां से भी जाएगा, दुनिया से भी जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सत्य को पकड़ो, फिर हो जाओ, मत भटको, मत दौड़ो। दौड़ने में क्या रखा है? तुम क्यों नहीं बैठते, क्यों नहीं थिर हो जाते? एक जगह विश्वास रखो, जहां तुम्हारी आस्था है उसको पकड़ लो, उसी को पकड़ लो। परमदयाल जी महाराज तो फरमाया, जिसका जी चाहे मेरी कोई किताब पढ़े, जिसका जी चाहे मेरी किताब ना पढ़े, जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में आए, जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में ना आए। कितनी बड़ी बात कह दी। अरे सागर बह रहा है, सागर बह रहा है, सागर किसी को नहीं कहता कि तुम आओ। वृक्ष ठंडी छाए दे रहा है, वृक्ष नहीं कहता कि ऐ मुसाफिर तू आजा, तुम्हें गर्मी लगी है। तुमने जाना है वृक्ष के नीचे, तुमने जाना है सागर के पास, तुमने जाना है दरिया के पास, तुमने जाना है गंगा के पास। वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, इस बात को दुनिया समझती नहीं है। जहां तुम्हारे मन को शांति मिलती है, जहां तुम्हें तस्कीन मिलती है, जहां तुम्हें अंतर का मार्ग मिलता है, वहां जाइए, कोई नहीं रोकता। जहां कोई बंधन नहीं है, जिसका जी चाहे, दात परमदयाल जी महाराज ने कहा है, जग में प्रगटे परमदयाल, कहता है वो बचन रसाल, जो कोई माने प्रेम से हो जाएगा वह भव से पार। कौन होगा जो मानेगा? किसको? वचन को। जो वचन कहता है सतगुरु, जो सतगुरु ने वचन कह दिया। सतगुरु क्या है? सतगुरु इंसान नहीं हो सकता, ये तो मेरे दिमाग से मेरे परमदयाल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया। वो तो शरीर एक साधन बन जाता है, पोल बन जाता है, एक एक स्टेशन बन जाता है, यहां से दुनिया को ज्ञान मिलता है। तुम अगर परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे कि एक लड़का स्कूल में पढ़ता है, वो मास्टर जी की बड़ी मुट्ठी चापी करता है, हुक्का भरता है, पानी लाता है, नहलाता है, लेकिन मास्टर जी जो पढ़ाते हैं वो पढ़ता नहीं, क्या वो पास हो जाएगा? वो पास नहीं होगा। पास तो वो ही होगा जो मास्टर जी ने पढ़ा दिया, उसने पढ़ लिया, लिख लिया, याद कर लिया, उसके नंबर अच्छे आएंगे। केवल मुट्ठी चापी करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा, वो केवल एक तस्कीन मिलेगी, तुम्हें रेडिएशन मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। यही तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। आगे चलिए बात। सहज योग गुरु दिया बताई, सुरत शब्द मार्ग लखवाई। अब सतगुरु के पास मिलता क्या है? सुरत शब्द का मार्ग मिलता है। वो शब्द कैसा, वो शब्द कौन सा? मेरे सतगुरु की दया हुई, मुझे पता चला कि शरीर में भी शब्द हो, एक शरीर का भी शब्द है, शरीर में भी शब्द होते हैं। मूलाधार का शब्द और है, जल के केंद्र का शब्द और है, नाभि का शब्द और है, हृदय का शब्द और है। ये शास्त्रों में लिखा है, कबीर साहब ने भी अपनी एक वाणी में लिखा है, करनैनन दीदार महल के पारा है, उनमें सारा बताया, क्री ग्री हूं हा ही, ये शब्द अंदर है, लेकिन ये सार शब्द नहीं है। वो बॉडी के कारण है, शरीर के कारण है, शरीर में हरकत हो रही है, उस हरकत के कारण शब्द हैं। संसार का कोई भी शब्द किसी के सहारे के बगैर नहीं होता। ढोल डंडे से बजता है, पखावज हवा से चलती है, बांसुरी में फूक मारो तब वो बोलती है, सितार पर आप हाथ लाएंगे तब सितार बजेगी। जितने भी
कोई भी साज ले लो, उनको दूसरे की सहायता की जरूरत है, तो उनमें शब्द पैदा होता है। लेकिन ये जो शब्द स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जिसका इशारा मैं आपको करने जा रहा हूं, ये शब्द शरीर का शब्द नहीं है। जब आप बैठेंगे तो तुम्हारे कानों में शब्द उठेंगे, इधर से भी इधर से भी, ये शरीर के शब्द हैं। तामसिक भी है, राजसिक भी है, इधर तामसिक शब्द उठता है, इधर राजसिक शब्द उठता है, हर वक्त तो होता रहता है। जब तुम अकेले बैठोगे तो तुम्हें सुनाई देंगे, सुनो देखो नजारा। लेकिन इसके बाद जब आप आंख बंद करेंगे, आंख बंद करके मन को सुमरण के साथ इकट्ठा करेंगे, सुमरण करके अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे कि सुमरण कौन कर रहा है, सुमरण करने वाला कौन है, तो वहां मन ताकतवर हो जाता है। फिर मन के शब्द पैदा होते हैं अंतर में, मन के शब्द, वो घंटा भी हो सकता है, वो शंख भी हो सकता है, वो मृदंग भी हो सकता है, वो ओम भी हो सकता है, वो बादल की गर्ज भी हो सकता है, ये भी मन के शब्द हैं। ये मन के शब्द हैं क्योंकि मन चला अंतर में, जिस जिस केंद्र पर गया वहां वहां की प्रकृति से शब्द पैदा हुआ। परमदयाल जी महाराज ने इतनी कृपा की, परमदयाल जी महाराज ने इतनी दया की हम लोगों पर, कलयुगी लोगों के ऊपर, उन्होंने बताया कि वो जो शब्द है वो किसी का सहारा लिए बगैर हो रहा है, उसमें जबान भी नहीं बोलती, उसमें मन भी काम नहीं करता, उसमें प्रकाश भी सहायक नहीं है, वो केवल सुरत का शब्द है, वो केवल सुरत का शब्द है, वो अंतर से आता है, जिसको तुम पुकारते हो वो तुम्हें पुकारने लग जाता है, उसका इशारा कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। आगे चलिए। चीनी सुरत रूप नहीं दरसे, परसे शब्द जाए मन घर से। क्या कह रहे हैं? जीनी सुरत, मैं कहता हूं दूसरे शब्दों में समझाता हूं, शरीर नजर आता है, शरीर नजर आता है, शरीर हमारा है, क्या किसी ने मन देखा? मन नहीं किसी ने देखा, ये हमारा सूक्ष्म रूप है, मन हमारा सूक्ष्म रूप है, और आत्मा कारण रूप है, आत्मा भी नजर नहीं आती, वो प्रकाश रूप है, और इससे परे जो हमारी सुरत है वो अति जीनी महाकारण रूप है, उसको तो देखा ही नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। इट इज, इट इज, इट इज, वह है, वह है, वह है, और वो जो है वो परम तत्व की अंश है। ये शरीर परम तत्व की अंश नहीं है, ये जाएगा, ये नाशवान है, पांचों के पांचों तत्व वापस अपने घर चले जाएंगे। आत्मा मन, मन भी नहीं है, मन केवल ख्यालों का जखीरा है, ख्याल खत्म मन खत्म, विचार गए महासुन में गए खत्म हो गए, निर्विकल समाधि में गए, मन नहीं है। वहां तुम जागृत हो जाते हो, फिर क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या है? वो प्रकाश रूपी है, और उसके इसको पकड़कर बाहर कर दो, अरे मुझे डिस्टर्ब मत कर, बाहर चले जाओ, कमरे में चल जाओ, उधर आपको कुछ नहीं हुआ, ड्रामेबाजी मत करो, आराम से बैठो। जो हमारी सुरत है वो बहुत जीनी है, वो बहुत जीनी है। उसका कब ज्ञान होगा? जब तुम चलते 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 शरीर के एहसासों को भूल जाओगे, मन के एहसासों को छोड़ जाओगे, प्रकाश से भी आगे चले जाओगे, और वहां क्या है?
वहां सत पुरुष है। सत पुरुष क्या? शब्द स्वरूपी, शब्द स्वरूपी। इसलिए परमदयाल जी महाराज ने मुझे फरमाया था, मुझे लिख कर दिया था, एक दो बातें वो फरमा गए थे। बैठे थे हम यहां बरामदे में, मैं दो तीन और सज्जन थे, मास्टर मोहनलाल था, बाबू नारायण दास जी थे, गोपाल था, शायद लाल सिंह जी भी थे बैठे हुए। तो उन्होंने बताया था बरामदे में कि बच्चों मैं तुम्हें रंडियां छड़ के नहीं जाना, मैं तुम्हें रंडियां छड़ के नहीं जाना। इसका मतलब ये हुआ हम सदा सुहागण, जिसके सिर पर सतगुरु है वो सदा सुहागण। और फिर उन्होंने एक बात और फरमाई थी, क्या कहा कि क्या करना है, गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बट मार। ये नहीं कभी इधर भागे कभी उधर भागे कभी उधर भागे कभी उधर भागे। कहा करते थे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, एक जगह बैठ जाओ फिर हो जाओ, वहीं से सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें। अरे मुझे देख लो, मैं बैठा हूं आपके सामने, मैं 1956 में परमदयाल जी महाराज के श्री चरणों में आया, मैं पढ़ता था FA में पढ़ता था, उन्हीं के श्री चरणों में मैंने शिक्षा प्राप्त की, उन्हीं के श्री चरणों में शादी बच्चे हुए, उन्हीं के चरणों में सारा गृहस्थ भोगा, उन्हीं के श्री चरणों में रहते हुए सारी सर्विस पूरी की। मैं तो कहीं गया ही नहीं, जाने के लिए सोचा ही नहीं। एक पति शब्द निकालना, एक तरह मैं आपको साथ साथ चलता चलता कुछ और भी दे चलता हूं, शब्द भाग दूजा। आप सत्संग में आए हैं तो सत्संग के कुछ ले जाओ, सत्संग में आए हैं तो कुछ ले जाओ। क्या ले जाना है? ले जाना क्या है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जो तुम्हारे दिल को लग जाए, जो ख्याल तुम्हारे दिल को टच कर जाए। मन मत बनना छोड़ो, गुरु मत में आओ हो तो गुरु मत को पकड़ो। गुरु मत क्या है? गुरु कहता है ए इंसान तू क्या कर, मुझे अपने में ढूंढ ले। मुझे कहां ढूंढ? मैंने कहा ना शुरू में कहा ना, घट में है सूजत नहीं। क्यों नहीं सूजत? लानत ऐसी जिंद, वो जीना ही क्या हुआ जब अपने आप को नहीं देखा। वो जीना निरर्थक है। बाप बनकर जिया तो क्या जिया, बेटा बनकर जिया तो क्या जिया, पति बनकर जिया तो क्या जिया, पुत्र बनकर जिया तो क्या जिया, रिश्तेदार बनकर जिया तो क्या जिया। अगर जीना है तो सतगुरु का प्यारा बन के जी ले। सतगुरु का प्यारा बन के जीने से क्या होगा? सतगुरु तुम्हें मिल जाएंगे। पत्नी पति को याद करती है, पति की चिट्ठी भी आ जाती है, पति का सेल फोन भी आ जाता है। बेटा मां को याद करता है, मां भी उसको सर्दियों में लड्डू बनाकर भेज देती है। जिसको याद करोगे वो तुम्हें रिस्पॉन्स देगा। तो ये कैसे हो सकता है कि तुम सतगुरु को याद करो और वो तुम्हारी बात ना सुने? मेरी हिस्ट्री में तो ये नहीं सबक है, मेरी किताब में ये शब्द नहीं है कि तुम उसको याद करो और वो तुम्हारी बात ना सुने। ये कभी हो नहीं सकता। मगर हम उसको याद कब करते हैं? हम उसको याद कब करते हैं? जब हमें दुनिया की किसी चीज की जरूरत होती है। हमें जब किसी चीज की जरूरत होती है
जब हमें कोई दुख होता है, जब हमें कोई क्लेश होता है, जब हमें कोई घाटा पड़ जाता है, जब हमें कोई बीमारी आ जाती है, तब हम एक टांग पर खड़े होकर भी उसको याद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर कबीर साहब ने तभी तो कह दिया, अरे दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न को, जा सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को हो। मैं कहा करता हूं अपने मिलने वालों को, ओ मेरे प्यारे हो, ओ कदी कोई मेनू इदा का भी टेलीफोन कर लिया करो, भी अज असी अभ्यास च बैठे सी, मन ने ये देखा, मन ने वो देखा, तुसी ते अपनी कहानियां पाते रहेंगे, मैनू भी थले आना पैंदा, मुझे भी नीचे उतरना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई वो सवाल करे, मुझे मैं चाहता हूं कोई वो मैं पिए जो मैं पीता हूं, उस मैं का स्वाद कोई पूछे तो मुझे भी खुशी होगी। मगर दुनिया ही है। क्यों दुनिया है? क्योंकि ये दुनिया मन मत के ऊपर है, इसको एक सतगुरु पर भरोसा नहीं है, ये भटकी हुई है। इसीलिए दाता दयाल का शब्द मैं आपको साथ सुनाता हूं, ये पढ़िए भारद्वाज जी, दाता दयाल का शब्द। हाँ, उसको रख लो नीचे, जरूरत पड़ेगी मैं फिर ले लूंगा। मन मत मन का दास है, गुरमत गुर का दास, मन मत सदा उदास है, गुरमत मन विश्वास। क्या कह दिया, गुरुमत वाला कभी उदास नहीं रहता, मन मत वाला हमेशा उदास रहेगा, मन मत वाला हमेशा शिकायत करेगा। इसलिए तो कहा गया है, जिनको महर में राज मिल जाता है वो न कभी शिकवा करते हैं न कभी शिकायत करते हैं। शिकायत वो ही करते हैं जो अभी मन के मत में है, जो सतगुरु के मत में चले गए वो शिकायत नहीं करते, वो शिकवा नहीं करते। यही दाता दयाल जी महाराज कह रहे हैं। आगे चलिए। गुरमत मौज अधीन नित, परखे मौज की बात, मन मत मन के बंद बंधे, बिलवे बिलपे दिन और रात। मन मत वाले दिन और रात बिलखते हैं। अब सवाल पैदा होता है, ये मौज क्या है? परमदयाल जी महाराज के मुखारविंद से बहुत बार सुनता था मैं, मौज मालिक, मेरी समझ में नहीं आता था, मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी। या वो फरमाया करते थे, दाता तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये दो शब्द साधारण उनके मुखारविंद से निकलते थे। अब इसको समझा, मैं आपको बता रहा हूं। मौज दो तरह की है, मौज मीन होने वाला, जो होना है, जो होगा उसको कहते हैं मौज। एक इंसान की अपनी मौज है, अपनी मौज, जो चाहो कर लो, अपनी मन के अधीन होकर जो सोचते रहो सोचते रहो, जो करना करो। हर इंसान स्वतंत्र है सोचने के लिए, करने के लिए, बोलने के लिए। हर इंसान स्वतंत्र है तीन तरह के कर्म करने के लिए। कौन से? शरीर द्वारा कर्म, मन द्वारा कर्म और वचन द्वारा कर्म। सब स्वतंत्र है। तुम्हारी मर्जी है अच्छा कर लो, तुम्हारी मर्जी है बुरा कर लो, ये तुम्हारे मन का काम है। इसको कहते हैं मन मत, मन की मौज। तुमने सोचा, तुमने ही बीज बोया, तुम ही काटोगे। इसको कहते हैं जीव की माया, जीव की माया, मेरी अपनी माया, जो मैंने ताना बाना बुना, स्वयं बुना, संस्कारों से ले लो, संगत से ले लो, जैसा भी चाहो, जो मेरे दिमाग पर ख्याल पड़े मैं उन ख्यालों में खेलता हुआ अपना ही ताना बाना बुनता हूं। एक तो ये है जिंदगी जो सब लोग जीते हैं,
एक है मौज मालिक, वो क्या है, इंसान अपनी सोच को, अपने विचारों को, अपने जीवन को उस परम तत्व के अधीन कर देता है। जो करिए सोई भला, अब मैं नहीं कुछ कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होता, मैं ना कर सकता हूं ना मुझसे होगा। कबीर साहब ने कहा, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर। जब पता लग गया कि मौज कुछ है, जो कुछ किया सो हर किया, भयो कबीर कबीर, ये मौज है। मैं कहता हूं, जब मुझे पता चला ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग अकल, अकल भी नहीं है, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग अकल, जो कुछ किया सतगुरु किया, भयो कमल कमल। मेरे समझ में ये आया, जो होना है जो करना है मैं उसके पीछे क्यों दौड़ूं। जीवन बताता है, मेरा जीवन बताता है कि वो ही हुआ, अच्छा हुआ जो उसने किया। जहां मैंने मन दौड़ाया, जहां मैंने बुद्धि दौड़ाई।